नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। जेडीयू में गुटबाजी और फूट की अटकलों के बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर आज विराम लग सकता है। नीतीश कुमार अध्यक्ष बन सकते हैं और ललन सिंह खुद अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं और ललन सिंह को दूसरा दायित्व मिल सकता है। यह अहम फैसला जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है। नीतीश और ललन सिंह के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में गुरुवार को हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई कि अध्यक्ष पद को किस तरह से ट्रांसफर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटनाक्रम की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन असली फैसला ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर होना है। जब वो इस्तीफा दे देंगे तो नीतीश कुमार पार्टी की कमान एक बार फिर से संभाल लेंगे। वहीं नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने की अटकलों पर भी विराम लग गया है। सूत्रों की माने तो नीतीश की बीजेपी में कोई बातचीत नहीं हुई है। नीतीश महागठबंधन नहीं छोड़ेंगे और वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि जेडीयू बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में नहीं है। करीब 60 घंटे पटना से लेकर दिल्ली तक ललन सिंह के इस्तीफे, जेडीयू में बगावत का डर, नीतीश कुमार का एक बार फिर से पाला बदलने की चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म रहा। और इधर दिल्ली में मौजूद ललन सिंह अपने इस्तीफे की चर्चाओं पर भी करीब 48 घंटे तक खामोश रहे। 28 दिसंबर यानी गुरुवार के सुबह करीब 10 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंचते हैं और पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने चले जाते हैं। और उनसे पार्टी में फूट और एनडीए में जाने को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो इस पर नीतीश कुमार ने पार्टी में फूट और कंफ्यूजन को दूर कर दिया, लेकिन एनडीए के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया था। नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। यही बात नीतीश कुमार ने पटना से दिल्ली पहुंचने के बाद भी दोहराई। अब सवाल यह है कि जेडीयू में विवाद को लेकर ललन सिंह का क्या रुख है, वो क्या बोले। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे भी नहीं थे कि उससे पहले ललन सिंह मीडिया के सामने आते हैं और अपने इस्तीफे और पार्टी के अंदर बगावत की अटकलबाजी पर विराम लगा देते हैं। उन्होंने कहा था कि जेडीयू एक है और एक रहेगा, बीजेपी जितनी ताकत लगा ले हम एक हैं। दरअसल ललन सिंह की खामोशी की वजह से इस्तीफे की चर्चाओं ने तूल पकड़ा था और यही वजह है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली के लिए रवाना हुए तो सुनिश्चित किया कि पार्टी को लेकर चल रही अटकलबाजी पर विराम लगाना होगा। नीतीश कुमार के कहने पर ही ललन सिंह ने अपने इस्तीफे और पार्टी में फूट पर मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी। अब सवाल यह है कि नीतीश नहीं चाहते कि पार्टी की इमेज को कोई चोट पहुंचे। 2024 से पहले पार्टी की इमेज पर चोट ना पहुंचे इसकी कवायद शुरू है। ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष या कुर्सी पर रहेंगे नहीं, ये संगठन का अंदरूनी मामला है, लेकिन ललन सिंह के बहाने विरोधियों को जेडीयू के अंदरूनी मामले में दखल देने का मौका नहीं मिलना चाहिए, जैसे बीते कई दिनों से बिहार के सियासी गलियारों में नजर आ रहा था। मसलन भारतीय जनता पार्टी लगातार जेडीयू पर हमलावर थी। सवाल यह भी है कि क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है इसलिए इस्तीफे की बात हो रही है। जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है ये बात नीतीश कुमार को भी पता है, लेकिन नीतीश अपना फैसला धैर्य के साथ लेते हैं और जाने जाते हैं। इसके लिए नीतीश को पता है कि विधायकों की संख्या बल कम है और उन्हें अपने सियासी अनुभव से गठबंधन की गाड़ी चलानी। कई बार नीतीश के पाला बदलने की बातें भी सामने आई। दरअसल नीतीश कुमार का पूरा फोकस इंडिया गठबंधन और बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों को अपने हिस्से में खींचना है। राजनीति की नब्ज पकड़ना नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं, तभी तो लंबे अरसे से बिहार की राजनीति में उनका सिक्का सबसे खरा है। ये बात आरजेडी को भी पता है कि नीतीश कुमार के बिना चुनावी राह कितनी मुश्किल होगी। ये बात बीजेपी को भी पता है कि नीतीश के जाने से 2024 में नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि तमाम सर्वे रिपोर्ट आपने देखे। भले ही बीजेपी की तरफ से इसे नीतीश और लालू का खेल बताया जा रहा हो, लेकिन उसे भी पता है कि बिहार में नीतीश कुमार का मतलब क्या है। जेडीयू की बैठक पर दिन भर हमारा कवरेज जारी रहेगा। आप भी हमारे लाइव सेशन से जुड़े और वीडियो सेक्शन में भी इस पर तमाम अपडेट्स जो होंगे वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। दिल्ली से सुजीत झा और हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।